नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं बीग्रो म्यूजिक सीरीज। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी सारे भाई मुझसे ये पूछते हैं कि भाई जैसे आप सबवूफर को बजा के दिखाते हो, बजता मतलब बजने में वैसा होता है लेकिन दिखता वैसा नहीं है। जैसे काफ़ी सारे भाई ये बोलते हैं कि वेव की तरह एक सबवूफर हिलता हुआ दिखाई देता है या आराम से बिल्कुल अप डाउन कर रहा है, ऐसे वो कैसे होता है। देखो, ये चीज़ ना डिपेंड करती है, मेरे को पता है कि नहीं पता कुछ भाइयों को, ये बहुत कम लोगों को पता है कि कई बार वीडियो बनाते हैं तो आ जाती है और कई बार वीडियो बनाते हैं तो वो चीज़ नहीं आ पाती। ये कई बार बहुत सारे भाइयों ने मुझसे पूछा कि भाई ये ऐसा होता कैसे है और आप हर एक वीडियो में ऐसे कैसे दिखा देते हो। तो भाई सबसे पहले तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि इसकी कुछ चीज़ें बताऊँगा मैं, वो थोड़ा ध्यान रखना। अगर जो आपको ज़्यादा वेव में सबवूफर दिखाना है तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ देखनी होती है कि आपका सबवूफर जो है वो लो फ्रिक्वेंसी पे चला हुआ हो। थोड़ा सा वैसे तो लाउड पे भी दिख जाता है वो, बट अगर जो आप लो पे करोगे तो वो ज़्यादा सही चलेगा। एनक्लोज़र उसका लो के हिसाब से बनाओ, ठीक है। कुछ चीज़ें बताऊँगा मैं आपको, वो ध्यान रखना थोड़ा सा। उसके बाद जो मेन चीज़ होती है वो ध्यान रखना, मेन चीज़ इसमें होती है कैमरा, ठीक है। अब जैसे आजकल हमारी कैमरे की FPS चलती है फ्रेम पर सेकंड, ये कैमरे के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा फ्रेम पर सेकंड का, सेटिंग में जाके देख सकते हो। आजकल 120 भी चल रहा है, पीछे 60 चल रहा था, 30, 24 ये सब होती हैं। अब आप लोग ये सोचते हो कि मेरा कैमरा बहुत अच्छा है और मैं उससे इसको बना लूँगा, ठीक है, तो उससे बड़ी दिक्कत होने वाली है। फ्रेम पर सेकंड होता है कि कितने सेकंड में कितने फ्रेम हमारा कैमरा कैप्चर कर रहा है वीडियो बनाते हुए, क्योंकि जब भी कोई वीडियो बनती है तो एक एक फ़ोटो जोड़ जोड़ के वो बनती है। अब फ्रेम पर सेकंड का मतलब होता है 120 फ्रेम पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में कैमरे ने 120 शॉट लिए हैं आपके। तो उससे नुकसान क्या हुआ 120 शॉट लेने से, क्या होता है कि जब हमारा सबवूफर ज़्यादा हिलता है तो वो कैमरा अगर जो 120 की स्पीड है तो उसको पकड़ लेगा उसकी अप डाउन को, और अगर जो आपके कैमरे की फ्रेम कम है तो सबवूफर को नहीं पकड़ पाएगा, वो उसकी स्पीड को नहीं पकड़ पाएगा, आपको सबवूफर वेव की तरह दिखा देगा, एक कि वेव की तरह चल रहा है या अप डाउन बड़ी आराम से हो रहा है। आप जितने कम FPS पे उसको चलाओगे, और दूसरी बात ये चीज़ ध्यान रखना कि आपका जो सबवूफर है वो थोड़ी सी अच्छी लाइट में पड़ा हो। अगर जो इसको लाइट अच्छी नहीं मिलेगी तब भी आपको वो चीज़ नहीं मिल पाएगी। अगर जो आप अपने कैमरे को लाइट के सामने सबवूफर को रख के थोड़ा सा अच्छी लाइट में, नेचुरल लाइट में बनाते हो इस चीज़ को, तो ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आपको वेव का मिलेगा। ये बहुत सारे भाई हैं जिनको नहीं पता, बट मैं आज बता रहा हूँ, आप कर सकते हो इसको। बहुत भाइयों ने कोशिश की है कि भाई नहीं हो रहा, आज मैं स्पेशली वीडियो में ये बता रहा हूँ। ध्यान से सुन लो, अपने कैमरे के फ्रेम कम रखो, ज़्यादा मत करो। अगर आप ये सोच रहे हो कि ज़्यादा फ्रेम करने से हम ये सब कर सकते हैं तो ज़्यादा फ्रेम पे नहीं आएगा, ज़्यादा फ्रेम पे आप हिलना शुरू हो जाएगा सबवूफर, क्योंकि कैमरे की क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी और सबवूफर की स्पीड को वो पकड़ लेगा। आपको फ्रेम कम रखने हैं अपने कैमरे के ताकि वो सबवूफर की स्पीड को ना पकड़ सके, ये चीज़ आपको करनी है इसमें। बाकी एक बार मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि कैसे वो हिलता है, तो उसके बाद आप समझ जाओगे कि ये क्या चीज़ होती है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोग समझ भी गए होंगे कि मैंने किस चीज़ के बारे में आप लोगों को बताया। ये इसी तरीके से होता है, क्योंकि बहुत सारे भाई फॉरेन कंट्रीज़ की वीडियोस देखते हैं, कहते हैं उनके सबवूफर जैसे हिलते हैं हमारे सबवूफर नहीं हिल पाते। तो आज मैं आप लोगों को ट्रिक दिखा रहा हूँ, अब से आप लोगों को भी ऐसे ही वीडियो बनानी है और यूट्यूब पे या इंस्टा पे या कहीं भी अपलोड करते हो, अपने सबवूफर भी ऐसे ही हिला के आप लोग दिखाओ। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो लाइक करना, बुरी लगे तो डिसलाइक करना। जो मेरे नए भाई हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा लेता हूँ, बाय।